एपिसोड 168, चेरी बनी सुमेर के लिए मुसीबत। ध्रुव और विक्की को जैसे ही पता चला कि सजनी ने अनन्या को वो दिव्य पेड़ वाला शहद पिला दिया है, तो उन दोनों को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। विक्की ने धीरे से कहा, कमाल हो गया, जो काम करने के लिए हमें इतना सोचना पड़ रहा था, उस काम को सजनी ने एक झटके में कर दिया। और फिर विक्की सजनी से बोला, वाह सजनी, तुम तो बहुत होशियार हो। और सजनी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से बोली, हाँ तो हमको क्या तुम इस जुल्मी की तरह समझ रखे हो, हमको सब पता होता है। हमारी अम्मा ने हमें सिर्फ खाना ही बनाना थोड़ी सिखाया है, बाकी की चीजें भी बताई हैं। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो हम घर की चीजों से ही कर दें। और सजनी को अपना नाम लेकर इतना बकवास करता देख जुल्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम जाकर कह देते हैं गाँव के वैद्य से कि वो गाँव छोड़कर चला जाए, सबका इलाज तू ही कर देगी। इन दोनों को बहस करता देख ध्रुव बोला, ठीक है हो गया, चलो चलकर सो जाओ, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। और सजनी तुम भी ये सब रहने दो, कल सुबह कर लेना, सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। और सजनी बोली, ठीक है भैया, हम कल कर लेंगे, आप लोग जाकर सो जाइए। ध्रुव, विक्की और जुल्मी तुरंत बाहर बरामदे की तरफ बढ़ गए। और विक्की ने कहा, तो क्या कहता है, चलकर अनन्या से बात करें, देखें कि क्या हुआ है उस शहद के प्रभाव से। और ध्रुव से पहले जुल्मी बोला, हाँ हाँ जाओ जाओ, फिर से बेइज्जत होकर आओ। और इतना कहकर जुल्मी चुप हो गया। और विक्की ने जुल्मी को घूरते हुए कहा, तू क्या समझता है, सबके मन में तेरी तरह जहर भरा हुआ है। फिर वो ध्रुव से बोला, चल चलते हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी टाइम तो देख, वैसे भी अनन्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दे, कल सुबह हम उससे बात करेंगे, और वैसे भी हमारे साथ तारा का होना जरूरी है, तो इस वक्त तारा को भी क्यों डिस्टर्ब करना, वैसे भी वो हमारे चक्कर में इतनी देर तक जगी हुई थी और परेशान थी। और विक्की को ध्रुव की बात सही लगी और वो तीनों लड़के अपनी अपनी जगह पर जाकर लेट गए। हालांकि अब उन तीनों में से नींद किसी को नहीं आ रही थी, उन्हें इंतजार था कि कब सुबह हो और वो अनन्या से बात करें। एक तरफ जहां ध्रुव और विक्की को लग रहा था कि उसके शहद के प्रभाव में आकर अनन्या से वो लोग सच बुलवा सकते हैं और अनन्या से बात करने की राह देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुमेर की हवेली में अपने सीक्रेट रूम में सुमेर बैठा हुआ अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाता जा रहा था। सिंदूर से बनाती हुई उन आकृतियों को देखता हुआ सुमेर बोला, मुझे फिर से समय द्वार खोलने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जितनी साधना और जितनी शक्तियां मैंने उस समय द्वार को खोलने में लगाई थी, वो सब उन बेवकूफों की वजह से बर्बाद हो गई। अब फिर से मुझे सर्वसिद्धि योग का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे ये सारी साधनाएं संपन्न करनी पड़ेगी और एक बार फिर प्रेतों को जगाकर उनसे शक्तियां लेनी पड़ेगी, और उन्हें खुश करना हर बार अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। सुमेर का काम लगभग पूरा हो चुका था और उस पूरे कमरे में आड़ी तिरछी से आकृतियां उकेरी हुई थी। उसमें आकृति के बीच में एक चौकोर सी जगह थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो सुमेर के बैठने की जगह है। सुमेर हर आकृति के कोने पर एक मानव खोपड़ी और एक कंकाल रखता जा रहा था और चारों तरफ मानव खोपड़ी में दिए जला रखे थे। कमरे के कोनों में रखे बड़ी बड़ी मिट्टी के हांडी से अजीब सी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून और मांस भरे हैं। साथ ही साथ कुछ शराब की बोतल भी रखी हुई थी। सुमेर अपनी सारी तैयारियों पर एक नजर डालकर उस चौकोर में जाकर बैठ गया और अपने गले में उसने एक हड्डियों की माला पहन ली और माथे पर सिंदूर से टीका लगाने के बाद फिर अपनी आंखें बंद कर पालथी देकर अजीब अजीब तरीके से आवाज निकालकर मंत्र उच्चारण करने लगा। सुमेर को इस तरह मंत्र उच्चारण करते हुए काफी वक्त बीत चुका था। इस वक्त सुमेर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, साक्षात कोई भूत प्रेत हो। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर बड़े से बड़े मजबूत दिलवाला डर जाता। बहुत देर बाद सुमेर ने अपनी आंखें खोली और अपने बगल में रखे चाकू को उठाया और अपनी हथेली को काटते हुए जहां जहां मानव खोपड़ी और कंकाल था वहां वहां रक्त की कुछ बूंदें गिराते जा रहा था। साथ ही साथ अपने रक्त की बूंदें उस मिट्टी की हांडी पर भी डालता जा रहा था और जोर जोर से आवाहन दे रहा था। धीरे धीरे सुमेर को वह लाल सिंदूर के घेरे में हलचल होती दिखाई देनी शुरू हुई। सिंदूर के घेरे के पास ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं चल रही हैं और वह सिंदूर उड़कर बिखेर रहे थे। खोपड़ियां भी हिलती नजर आ रही थी।
ये देखकर सुमेर की आंखें खुशी से चमक उठी थी। सुमेर और जोर जोर से अपना काम करने लगा था। अब उस पूरे कमरे में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी थी। सुमेर जाकर वापस उस चौकोर घेरे में बैठ गया और जोरों से अपने मंत्र का उच्चारण करने लगा। साथ ही साथ वो चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखता भी जा रहा था। तभी एक एक करके उस कमरे में जल रहे तमाम दिए बुझ गए। सुमेर को अपने इर्द गिर्द एक भूचाल सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी तेजी से उसके आस पास घूम रहा है और उसे अजीब सी सिहरन सी होने लगी थी। लेकिन सुमेर बैठा रहा निडर होकर, जैसे वो पहले भी इन चीजों का सामना कर चुका था। न सुमेर के मंत्रों के उच्चारण रुक रहे थे, न उसके आसपास होने वाली हलचल थम रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ ही पलों की बात है, सुमेर जो चाहता है वो उसे हासिल होने ही वाला है। और अचानक जोर की आवाज के साथ कमरे में रखे घड़े एक के बाद एक फूटने लगे और साथ ही साथ वहां जितनी भी मानव खोपड़ी थी वो हवा में कई फीट ऊपर उठ उठ कर जमीन पर गिरकर चकनाचूर होने लगे। और देखते ही देखते जो भूचाल वहां आया था, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शमशान सा सन्नाटा हो। अचानक से जो कुछ भी हुआ वो देखकर सुमेर हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखता हुआ बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं ला सकता। नहीं, उन्हें वापस आना ही होगा। वो बिना मेरा काम पूरा किए नहीं जा सकते। सुमेर पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नहीं था। कुछ देर तक वहां पागलों की तरह इधर उधर भटकने के बाद आखिर में सुमेर नीचे जमीन पर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ रख कर बैठा रहा। काफी देर तक जब वो उसी तरह बैठा रहा तो अचानक उसे समझ में आया कि इस साधना के भंग होने के पीछे दो ही मकसद होते हैं। या तो साधना करने वाला पूरी निष्ठा से साधना न कर रहा हो और साधना करते वक्त उसके मन में कोई अलग तरीके का ख्याल आया है जो कि सुमेर के मन में नहीं आया था, और दूसरा ये कि जो साधना कर रहा था वो 7 दिन के भीतर किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन। इतना सोचते ही सुमेर चौंक गया क्योंकि सुमेर ने तो आज तक किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया था और पिछले 7 दिन में तो कतई नहीं, तो ऐसा कैसे हुआ। सुमेर कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था और वो चीखता हुआ बोला, ना मेरे मन में किसी तरीके का कोई अलग ख्याल आया था और ना ही मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। मेरा यकीन करिए, मैं पूरी निष्ठा के साथ आप लोगों का आवाहन कर रहा था। आप में से हर वो प्रेत मेरे अपने हैं जिनसे मेरा किसी न किसी तरीके से कोई संबंध रहा है। आप मेरी मदद करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे, वो कौन सा जरिया है जिस वजह से आप लोगों ने इस बार मेरा साथ नहीं दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब मैंने आप लोगों को सच्चे दिल से याद किया हो और आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की हो। सुमेर की आवाज देने से, कितनी भी विनती करने से वहां कुछ नहीं बदला और आखिर में थका हुआ सुमेर चुपचाप उस कमरे से बाहर निकला और उस कमरे को हमेशा की तरह ताला बंद कर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वही हवेली में चैन की नींद में सो रही चेरी के चेहरे पर काफी वक्त बाद ऐसा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो शायद इंसान को तभी मिलता है जब वो अपनी मनचाही चीज पा ले या फिर अपनी चीज को खोने का डर खत्म हो गया हो। तभी नींद में सोई चेरी को लगा जैसे उसके चारों ओर साए साए करती हवा चल रही हो। वो हड़बड़ाती हुई उठकर बैठ गई और चारों तरफ देखती हुई चेरी बोली, अब मैं तो अपने कमरे में हूँ, ये हवा कहाँ से आ सकती है, वो भी इतनी तेज। तभी उसे अपना बेड हिलता हुआ सा महसूस हुआ। चेरी कांपते हुए बोली, कौन है यहाँ, क्या हो रहा है। लेकिन उसके जवाब में किसी की कोई आवाज नहीं आई, बल्कि चेरी के कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और जोर की आवाज के साथ फूट गई। उसका बेड और जोर जोर से हिलने लगा और चेरी अपने बेड से बहुत जोर से नीचे गिरी। नीचे गिरते ही वो दर्द से कराह उठी और बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागी और कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुला नहीं। उसके बाद चेरी जोर जोर से अपने कमरे का दरवाजा पीटते हुए बारी बारी से हवेली के नौकरों के साथ साथ सुमेर को भी आवाज लगाने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उसे घूर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वहां उसे कोई नहीं दिख रहा था।
अचानक से ही कमरे का दरवाजा जो अब तक उससे नहीं खुल रहा था वो खुल गया और चेरी वहां से बाहर निकलकर भागी। और बाहर निकलते ही वो सुमेर से टकरा गई। सुमेर को अपने सामने देखकर चेरी के जान में जान आई और वो जल्दी से सुमेर के सीने से लगकर बोली, सुमेर यहाँ कुछ है, यहाँ कोई तो है। मेरा बेड, वो अपने आप हिल रहा था। मेरे कमरे की लाइट बुझ गई और फूट गई। मैं अपने कमरे में कैद हो गई थी। मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। सुमेर को जो अब तक नहीं समझ आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, पहले उसकी वो साधना भंग हो गई। वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाया और अब चेरी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों? तभी सुमेर को याद आया कि उसने मदद की गुहार लगाई थी। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई मदद है? लेकिन फिर भी चेरी के साथ ऐसा क्यों? सुमेर ने तो कभी चेरी के साथ, और इन 7 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपनी सेंस में तो उसने कभी चेरी को हाथ भी नहीं लगाया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुमेर अजीब नजरों से चेरी की तरफ देख रहा था और चेरी ने हैरानी से कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? और तुम मेरे कमरे की हालत देखो, वो बेड इतनी जोर जोर से हिल रहा था, और अभी भी देखो मेरे कमरे की लाइट के टुकड़े बिखरे होंगे। मेरे कमरे की लाइट अपने आप टूटकर बिखर गई थी। और फिर अचानक चेरी अपना हाथ दिखाते हुए बोली, ये देखो, देखो मेरे एल्बो पूरे छिल गए हैं, जब मैं बेड से गिरी थी या किसी ने मुझे गिराया था। सुमेर सच बताओ, तुम्हारी हवेली में हो क्या रहा है? क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? चेरी के इतने सारे सवालों के बाद भी सुमेर ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आओ मेरे साथ। चेरी को समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। उसे तो चेरी के कमरे में जाकर देखना चाहिए था, लेकिन चेरी चुपचाप उसके साथ उसके कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में जाकर सुमेर ने दरवाजा बंद कर लिया और चेरी को कुर्सी पर बिठाते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, चेरी तुम मुझे कुछ सच बताना चाहती हो? और चेरी हैरानी से बोली, सच? कैसा सुमेर? और सुमेर ने सीधा सवाल किया, उस रात क्या हुआ था? और चेरी नाटक करती हुई बोली, उस रात? किस रात? मैं समझ नहीं पा रही तुम किस रात की बात कर रहे हो। और सुमेर ने कड़ी आवाज में कहा, उसी रात जिस रात देर तक अनन्या यहाँ थी, मैंने और अनन्या ने साथ में कॉफी पी थी। उसके बाद क्या हुआ था मुझे याद नहीं, सिवाय इसके कि अनन्या ने मुझे बेड पर लिटाया था और मैं सो गया था। जब अगली सुबह मेरी नींद खुली तो वहां अनन्या नहीं थी, ना ही मैं अकेला था। मेरे रूम की कुर्सी पर जहां तुम अभी बैठी हो, तुम बैठी हुई थी। तुमने मुझसे कहा मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी और अनन्या चली गई, इसलिए तुम मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ बैठी हुई थी। सुमेर के इन सवालों पर चेरी अपनी नजरें झुकाती हुई बोली, हाँ हाँ, तो मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो पुजारी जी और बाकी सबसे पूछ लो, सबको पता है तुम्हारी तबीयत खराब थी। तुम बेसुध से पड़े हुए थे, बस इसलिए मैं यहाँ थी। सुमेर चेरी के नजदीक ही अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, चेरी क्या उस रात तुम मेरे नजदीक आई थी? चेरी तुरंत कुर्सी से उठती हुई बोली, ये कैसी बात कर रहे हो तुम सुमेर? मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ थी और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे। वो इतना ही बोली थी कि सुमेर ने चेरी को उसके बाजुओं से पकड़ा और उसे अपनी तरफ झटके से खींचते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें चेरी, तुम बहुत एम्बिशियस हो और तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम जब इतने सालों बाद यहाँ आई, मैं तभी समझ गया कि तुम क्यों आई हो, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारा स्वागत किया। अब तुम मुझे सच सच बताओ, हमारे बीच कुछ हुआ था? या यूं कहूं कि तुमने मुझे उकसाया था, क्योंकि मैं कॉफी की वजह से बेसुध सा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बेहोश था। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मेरे कमरे में बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी, मैं उन्हें सुन पा रहा था, लेकिन मैं हिलडुल नहीं पा रहा था, मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। जैसे कोई स्लिप पैरालाइज होता है, जो सुन सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन हिल नहीं सकता। और एक मिनट, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम्हारी वो इयररिंग मेरे पिल्लो के पास कैसे आई। अब तक मुझे लग रहा था मुझे संभालने में वो गिर गई थी, लेकिन नहीं। सुमेर को इस तरह बोलता देख अचानक चेरी चिल्लाती हुई बोली, बस करो सुमेर, हाँ आई एक्सेप्ट कि हमारे बीच वो सब हुआ था जो मैं चाहती थी, पर मेरे पास तुम्हें पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। उस रात सबके जाने के बाद जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारा ख्याल ही रखना चाहती थी, लेकिन एक चीज तो शायद तुम भूल रहे हो। चेरी के ये कहते ही सुमेर ने हैरानी से पूछा, कहना क्या चाहती हो? मैं क्या भूल रहा हूँ?